अभी सूचना मिली कि वो इस बाड़मेर शहर के पास एक मकान में छुपा हुआ है। इस पर पुलिस ने कमलेश प्रजापति पुलिस ने टीमें बनाई और टीमें बना करके यहाँ दबिश थी। दबिश के दौरान उसने पुलिस पर अटैक किया और पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस के जवानों ने भी फायर की, जिसमें एक गोली उसके लगी, जिससे जब उसे अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। अभी इस पूरे परिसर की तलाशी ली जा रही है और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। वो 3 बार पुलिस पर हमले कर चुका है और 2 ऐसे मामलों में वो वर्तमान में वांटेड है। उसके अलावा नारकोटिक्स और आर्म्स एक्ट के बहुत से मामले उसके खिलाफ थे। अभी वो कहाँ कहाँ वांटेड है और बाली के अलावा और बाकी जो है डिटेल, वो धीरे धीरे हमारे को अभी पता करेंगे तब पता चल जाएगा।